हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पी एच पी एन माई स्कूल तो दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है ये ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम का जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है एग्ज़ाम्स को मींस जो एग्ज़ाम होते हैं उनको क्रिएट कर सकता है मैनेज कर सकता है यूजर्स को मैनेज कर सकता है उसके बाद जो यूजर्स होते हैं वो यूजर लॉग के थ्रू लॉग करके अपने सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे वो एग्ज़ाम को असाइन कर सकते हैं इन कर सकते हैं एग्ज़ाम को और उसके बाद उस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट भी कर सकते हैं तो काफी यूजफुल काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है तो दोस्तों तो आप तो अब हम इसको कैसे डेवलप करेंगे उस वो देखते हैं तो सबसे पहले हम आपको डेमो दिखा रहे हैं कि इसका डेमो क्या है तो देखिए दोस्तों तो हम ये जो हमारा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अभी आपको ये हमारा एडमिन लॉगिन के थ्रू सिस्टम अभी हम एक्सेस कर रहे हैं हम स्टार्ट से आपको दिखाते हैं देखिए अभी ये एडमिन इन डिटेल्स है और यहाँ से हम एडमिन लॉग इन करेंगे यहाँ पे एडिट कर सकता है डिलीट कर, कर सकता है उनके रोल असाइन कर सकता है पासवर्ड भी रिसेट कर सकता है यूजर्स के तो इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा इस सिस्टम के अंदर वो क्या है कि यहाँ पे एग्जाम क्रिएट करेगा और यहाँ से एग्जाम क्रिएट कर सकता है एग्जाम्स के अंदर क्या क्या मीन सपोज ये एग्जाम है तो उसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं उनके क्वेश्चन को मैनेज कर सकता है यहाँ से ऐड कर सकता है एडिट कर सकता है डिलीट कर सकता है तो एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हैंडल करेगा उसके बाद जब जो यूजर होगा जब यूजर लॉग इन करेगा तो वो एग्ज़ाम्स को क्या इनरोल करेगा इसके अलावा यहाँ से ये यह भी देख सकता है एडमिनिस्ट्रेटर की ये एग्ज़ाम है कौन किस किसी ने इनरोल कर रख रखा है उसका स्टेटस क्या है रिजल्ट क्या है पेंडिंग है या एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो गया है तो उसका यहाँ से वो व्यू रिज़ल्ट भी कर सकता है तो सारी फंक्शनलिटी एडमिनिस्ट्रेटर की है ये उसके अलावा जब ये एग्ज़ाम जो होगा जब यूजर लॉग इन करेगा तो वो एग्ज़ाम को इनरोल करेगा उसके बाद वो एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकता है मल्टीपल एग्ज़ाम्स को कंप्लीट कर सकता तो ये हमारा जो हम है ये डेमो है एक ओवरव्यू है हमारे प्रोजेक्ट का तो तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग मींस कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम डेटा बेस डिज़ाइन करते हैं उसके अलावा हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस सिस्टम में जो हमारी डेटाबेस होगा वो क्या होगा तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम सिस्टम

की इंफॉर्मेशन मीन्स यूजर रिकॉर्डिंग स्टोर करेंगे मीन्स यूजर की डिटेल्स होगी उसका पासवर्ड हो लॉगिन डिटेल होगी उसका रोल होगा क्या एडमिन होगा यूजर होगा देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर मेल फीमेल है ई मेल ले रखा है पासवर्ड ले रखा है मोबाइल एड्रेस क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ है यूजर मीनस रजिस्टर कब हुआ है रोल क्या है उसका यहाँ पे देखिए जो टाइप है वो ई नाम ले रखा है उसमें यही पास कर दिया है एडमिन और यूज़र दो टाइप के यूजर यहाँ पर आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र नॉर्मल यूजर उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल हमारी आती है यूजर के बाद वो है हमारी एग्जाम की यहाँ पे हम एग्ज़ाम क्रिएट कर रहे हैं देखिए ये एग्ज़ाम क्रिएट करने के लिए क्या है यहाँ पे एग्जाम आईडी ले रखा है जो कि प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट है उसके अलावा जो उसमें ले रहे हैं यूजर आईडी ले रखे मीन्स किसी ने क्रिएट किया है किस यूजर ने एग्ज़ाम का टाइटल डेट टाइम क्या है ड्यूरेशन क्या है क्वेश्चन क्या हैं मार्क्स पर राइट आंसर जो मार्क्स होंगे राइट आंसर पे कितने देंगे रॉन्ग आंसर पे क्या रहेगा कब क्रिएट हुआ है उसका स्टेटस क्या है ने ने, ने, ने ने, ने ने जो हमारा एग्जाम है पेंडिंग है क्रिएटेड तो डिटेल है एग्जाम एक कोड भी ले रखा है तो उसके बाद जब देखिए यूज एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम क्रिएट कर देगा उसके बाद क्या होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो ये हमारी क्वेश्चन टेबल हो गई क्वेश्चन टेबल के अंदर आप देखिए हम क्या ले रहे हैं आई ले रहे हैं एग्जाम आई ले रहे हैं मीन्स किस एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है उसके बाद आंसर आ रहा है ठीक है आंसर में क्या है इनम हम ले रहे हैं वन टू थ्री फोर ऑप्शन चार ऑप्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे चार क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस बना रहे हैं उसके अलावा देखिए जब हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो गया तो क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या रहेंगे तो यहाँ पे टेबल हमने बनाई हुई है ऑनलाइन एग्जाम ऑप्शन ऑप्शन के अंदर क्या ले क्वेश्चन आई डी सबसे पहले तो ए, हमारा जो है ऑप्शन का आई ले रखा है हमने जो प्राइमरी है और ऑटो इंक्रीमेंट है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आईडी ले रखा है मीनस जो ऑप्शन क्रिएट करें किस क्वेश्चन के लिए क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैपिंग के लिए हमने क्वेश्चन आईडी ले रखा है उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन टाइटल आ रहा है ये चीज होने के बाद अब देखिए हमारा क्वेश्चन भी क्रिएट हो गया ऑप्शन भी हो उसके बाद हमारा हो गया इनरोल जब कोई भी स्टार्ट करेगा कोई भी जो यूजर होगा परफॉर्म करेगा मीन्स कंप्लीट करेगा एग्जाम को तो वो उससे पहले उसको इनरोल करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए हम इनरोल उसके लिए क्या ले रहे हैं एक तो हमारा हो गया इनरोल आईडी हो गया जो कि प्राइमरी और ऑटो इनक्रीमेंट है उसके बाद हमारा यूजर आई हो गया हमें किस यूजर ने इनरोल किया क्या इनरोल किया किस एग्जाम को किया तो यहाँ पे एग्जाम आई आ रहा है किसको उसके बाद उसने उसका अटेंडेंस स्टेटस भी आ रहा है कि उसने वो मतलब क्या है प्रेजेंट है एबसेंट है उसके बाद एनरोल के बाद हमारा नेक्स्ट आ रहा है प्रोसेस मीन्स उसके बाद जैसे वो स्टार्ट करेगा कब एग्जाम को प्रोसेस कर रहा है तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम अंडर स्कोर प्रोसेस प्रोसेस पे क्या हो रहा है हम एक तो आईडी स्टोर कर आईडी हमारा इसका ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी हो रहा है उसके बाद हम यूजर आईडी मतलब किस यूजर ने एग्जाम स्टार्ट किया है कि किस एग्जाम को तो उसकी एग्जाम आईडी आ रही है और स्टार्ट टाइम है किस टाइम से स्टार्ट किया क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा वो स्टार्ट होगा मान लिया उसका ड्यूरेशन सोच कर लो फाइव मिनट का है तो जैसे वो स्टार्ट होगा यहाँ पे टाइम स्टोर हो जाएगा अभी स्टार्ट टाइम और उसके बाद वो फाइव मिनट के ड्यूरेशन में क्योंकि उसको फाइव मिनट ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट होना है तो वो यहीं से ट्रैकिंग पूरा होगा सारी फंक्शनलिटी यहीं से हैंडल हो उसके बाद जब वो क्वेश्चन के आंसर्स देगा तो वो डिटेल्स हम यहाँ स्टोर करेंगे इस टेबल में हमारा है ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर में क्या हम स्टोर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर हम इंस्टोर कर रहे हैं एक तो हम यूजर आईडी किस यूजर ने और क्या एग्जाम आईडी और क्वेश्चन आईडी क्या क्वेश्चन आईडी डी और उसका यूजर यूजर आंसर ऑप्शन क्या है मतलब कौन सा ऑप्शन उसने दिया है और उस ऑप्शन पे क्या मार्क मिल रहा है माइनस मिल रहा है प्लस मिल रहा है जो भी है वो मार्क यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे तो ये हमारी सेवन टेबल है पूरे कंप्लीट सिस्टम को जो हमारा जो फंक्शनलिटी चल रही है उसको जो फंक्शनलिटी को मैनेज किया गया है वो इन सेवन टेबल्स के थ्रू मैनेज किया गया तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे डेटा बेस टेबल्स को डिस्कस कर लिया है अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अब हम देखते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी ऑनलाइन एग्जाम अंडेस सिस्टम तो उसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए यहाँ पे एक क्लास जी उसमें हमने क्लास स्टोर करा है कॉनफिक के अंदर हमारी एक डेटाबेस की फाइल आ रही है जहाँ से हम कनेक्शन बना रहे हैं कॉनफिकसन फाइल है उसके अलावा आई के अंदर हमारा यूजर पासवर्ड आएगा जी के अंदर जी एस फाइल्स आए और बाकी ये फाइल्स हैं तो क्योंकि जी के अंदर जितनी फाइल्स हमने सेक्शन हैंडल कर रखे हैं उनकी जी फाइल्स फाइल्स हमारी यहाँ देखिए यहाँ पे यूजर है और क्वेश्चन एग्जाम सारी फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं और क्लास के अंदर भी हमने यहाँ पे यूजर और

अब देखिए सबसे पहले क्या लॉग इन पेज आता है लॉग इन पेज में क्या होगा यूजर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इनपुट करेगा और, और सिस्टम लॉग इन हो जाएगा तो सिस्टम में लॉग इन होने के लिए अब देखिए यूजर लॉग इन होगा उसका ऑथेंटिकेशन कहा से होगा वो डेटाबेस से होगा तो अब डेटाबेस में वैल्यू स्टोर है यूजर यहाँ से फ्रंट एंड से यूजर पासवर्ड बुक करेगा तो उसको क्या होगा डेटाबेस से कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो देखिए तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे बनाइए क्लास डेटाबेस बनाया हुआ जिसके अंदर हम माई डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलिश कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन बनाया हुआ गेट कनेक्शन उसके अंदर माई आई क्लास जो है हमारा बिल्डिंग फंक, फंक्शन है एक्सटेंशन होती है हमारी माई स्कूल आई उसके थ्रू हम क्या है माई से कनेक्शन बना रहे हैं अब उसमें क्या क्या पास कर रहे हैं तो एक तो हमारा लोकल होस्ट आ रहा है क्यों रूट आ रहा है यहाँ पे यूजर हमारा जो रूट है पासवर्ड सेट नहीं किया तो ब्लैंक ही आ रहा है और हमारा डेटाबेस में एग्जाम सिस्टम है तो ये सारी चीजें देखिए ये हम यहाँ पे पास करा रहे हैं हम दिस हॉश दिस यूजर दिस पासवर्ड और ये उसके बाद हम यहाँ तक ये अगर कोई इधर आ रही है हमारी कनेक्शन की तो हम यहाँ पे उसको डाई कर रहे हैं और कनेक्शन इधर डिस्प्ले करा रहे हैं अदरवाइज हम कनेक्शन को यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं तो ये हमारा डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है उसके लिए अंदर इस यहीं पर हमने सेशन भी इनिशलाइज इन कर दिया क्योंकि तो जब हम कोई भी यूजर लॉग इन होगा तो उसकी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करें क्योंकि हमें ये भी पेज पे हमें उसकी जो डिटेल्स होगी यूजर जो इन होगा उसकी रिक्वायर रिक्वायर होगी तो यहाँ पे हम उसको हम में उसको स्टोर करा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी चीज़ें स्टोर करा रखी हैं अब देखिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया अब ये हमारा लॉग इन पेज है तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉग इन की फंक्शनलिटी हमारे कैसे चल रही है तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल बना रखी है हमने जिसके अंदर हमने लॉग इन फॉर्म बनाया हुआ है देखिए ये हमारा लॉगिन फॉर्म आ रहा है ये देखिए हमारा लॉगिन फॉर्म आ रहा है यहाँ से ये यह, यह, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये हमारा लॉगिन फॉर्म है यहाँ तक अब देखिए इसमें हमने क्या क्या ले रखा है एक तो यहाँ पे हमारा आ रहा है इनपुट टाइप आ रहा है जिसमें हम ईमेल ले रहे हैं उसके बाद एक हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड आ रहा है जिसमें पासवर्ड ले रहे हैं यूजर पासवर्ड ले रहे हैं उसके अलावा हम यहाँ पे क्या है रेडियो बटन दो रेडियो बटन ले रहे हैं जिसमें हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के ले रहे हैं उसकी वैल्यू एडमिन दे रहे हैं और दूसरे के लिए यूजर दे रहे हैं तो जब भी यूजर लॉग इन करेगा तो यहाँ या तो एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेगा या यूजर चेक करेगा तो ये डिटेल फॉर्म में हमारे आ रही है तो अभी ये हमारा जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा अब देखिए कैसे हैंडल करेंगे जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है देखिए अब देखिए फॉर्म सबमिट कहाँ हो रहा है ये फॉर्म हमारा सबमिट यहां हो रहा है अब यहां पे हम फॉर्म सबमिट चेक कर रहे हैं अगर हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है तब हम क्या कर रहे हैं ये हमारा यूजर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर ईमेल ई सेट कर रहे हैं पासवर्ड सेट कर रहे हैं लॉग इन टाइप सेट कर रहे हैं अब देखिए ये लॉग इन टाइप हमारा कहाँ से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेडियो बटन ले रखे हैं एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर के लिए तो यहाँ पे हमारा लॉग इन टाइप आ रहा है अब हम देखते हैं यहाँ पे अब देखिए यूजर ऑब्जेक्ट में हम सेट कर है। लेकिन यूजर ऑब्जेक्ट यूजर जो हमारा है आ कहाँ से रहा है देखिए सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे हमने डेटा बेस डॉट पी एच पी फाइल जो कि क्लास है यहाँ पे इंक्लूड किया फिर यूजर डॉट पी एच पी के लिए अब देखिए डेटा बेस जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया और गेट कनेक्शन कॉल किया और यहाँ पे हमें डीवी कनेक्शन मिल गया अब देखिए डीबी कनेक्शन को कहा से हम पास कर दे रहे हैं अब देखिए यहाँ पे हम यूजर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके कॉन्स्ट्रक्टर में हम डीबी पास करा दे रहे हैं अब देखिए हम यूजर को भी ओपन कर लेते हैं अब हमने यहाँ पे यूजर को ओपन कर लिया देखिए यू, यू, यूजर के अंदर क्या था हमारा हम यहाँ पे डीबी पास करा रहे हैं अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ये का कॉन्स्ट्रक्टर में आ गया ये कनेक्शन दिस डॉट कनेक्शन के बाद हमारा कनेक्शन आ गया अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने न्यू करके और ये हमारा न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यूजर का अब देखिए यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो अब उससे पहले हम क्या चेक करें हम चेक करेंगे यूजर लॉग इन अगर ये जो लॉग इन है और उसका ये भी चेक करेंगे जो इसका सेशन है वो सेशन में जो है रोल है उसका रोल है एडमिन है तो वो एक जान.php पे जाए अदर अदरवाइज वो बी एग्जाम डॉट पेज पी पे आएगा तो, तो यहाँ चेक करें उससे पहले कि हम लॉग इन फंक्शन चेक कर रहे हैं किससे करें यूजर से चेक करें तो लॉग इन फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है अब ये भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारा यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे हमने यूजर ऑब्जेक्ट में सेट कर दी ईमेल पासवर्ड लॉग इन टाइप सेट कर दिया अब अपने जो यूजर का लॉग इन मेथड है उसको कॉल किया अब देखिए हम यहाँ लॉग इन मेथड ये हमारा लॉग इन मेथड है यहाँ देखिए हम ई मेल पासवर्ड लॉग इन टाइप चेक कर रहे हैं उसके बाद सेलेक्ट क्वेरी में हम पास करा रहे हैं क्या पास करा रहे हैं ईमेल पास करा रहे हैं पासवर्ड और लॉग टैग ये तीनों चीज़ें अगर हमारी आ रही हैं अगर ये हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं क्वेरी एक्ज हो रही है और थ्रू रिटर्न कर रही है मीन्स रोज रिटर्न कर रहे तो हम उसके बाद फेज एसोसिएटिव फंक्शन से उस यूजर डिटेल गेट करें और उसको यूजर की आई हो गया यूजर का नेम हो गया उसका लॉग रोल हो गया वो कहाँ हम असाइन कर दे रहे हैं सेशन में असाइन कर दे रहे हैं उसको हम रिटर्न वन कर दे रहे हैं मीन थ्रू कर दे रहे हैं और अदरवाइज रिटर्न जीरो है तो अब देखिए यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहा है इसका मतलब वो लॉगिन हो गया मीन्स सक्सेसफुल लॉग इन हो गया अगर नहीं कर रहा होगा तो वो फेल हो गया इसका इन वैलिड लॉगिन तो यहाँ पे वो इन वेलिड लॉगिन पर अभी हम चेक कर रहे हैं सेशन रोल अगर, अगर, अगर एडमिन है तो एग्जाम पर चला जाए अदरवाइज वी एग्जाम पर रिडायरेक्ट हो जाए हेडर जो फंक्शन होता है आपको पता होगा फीएच में ये जो होता है लोकेशन कॉलन और उसके बाद हम फाइल नेम देते हैं या फाइल पात दे देते हैं इससे क्या होता है जो भी फाइल होती है उससे वो रिडायरेक्ट कर देता है तो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया हमारा उसके बाद देखिए यहाँ पे इस फंक्शन हमारा है लॉग इन यहाँ पे क्या अगर सेशन हमारा जिस अगर यूजर सेशन में हमारी यूजर आई डी एग्जिस्ट करी इसका मतलब यूज़र हमारा लॉग इन रहा है क्योंकि हम सेशन के अंदर यूजर आई डी ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो वो रिटर्न ट्रू कर रहे अदरवाइज वो जीरो मीन्स नॉट लॉग इन है तो इसलिए हम देखिए यहाँ पे चेक करा रहे थे कि अगर यूजर लॉग इन है तो वो इस पेज पे उसको रुकने कुछ रुकने उसको रिडायरेक्ट हो जाए या ऑटो रिडायरेक्ट करा दे रहे हैं एग्जाम पेज पे और पी एग्जाम पे अकॉर्डिंग टू यूज अदरवाइज वो लॉग इन पर दि, वे डिस्प्ले करेगा तो ये हमारी लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी होगी अब देखिए हम फंक्शनैटी देखते हैं अब देखिए सपोर्ट कर लो यहाँ पे जैसे ये एडमिन लॉगिन की है ये नॉर्मल यूजर की लॉग इन है तो हम एडमिन पहले एडमिन यूजर लॉगिन ही देखते हैं अब नॉर्मल एडमिन यूजर और उसका अपने पासवर्ड डाल दिया और ये हमने चेक कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर ये देखिए हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए और कहाँ गए एग्जाम एग्जाम डॉट पेज पे पे आ गए क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिडायरेक्शन किया था हमने यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग इन हुआ एग्जाम डॉट पी एच पी पे तो हम यहाँ एग्जाम डॉट पी एच पी अभी एग्जाम डॉट पी एच पी पे क्या आ रहा है जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी लिस्टिंग हो रही है उसके अलावा एक और टैब यहाँ पे यूजर्स टैब है यूजर टैब से क्या हम कर रहे हैं यूजर मैनेज कर रहे हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम यूजर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं तो यूजर्स को मैनेज करने के लिए देखिए एक तो हमारा यूजर क्लास आ रहा है एक तो हमारा यूजर क्लास हो गया दूसरे क्या हम एक यूजर डॉट पी एच पी फाइल हमारी है यूजर डॉट पी एच पी फाइल में हम देखिए यहाँ पे क्या है ये हमारे टेबल है जिसके अंदर यूजर लिस्टिंग करा रहे हैं हम यह यहाँ पे ये यूजर लिस्टिंग हमारा जो है आईडी जो स... कंटेनर है इसके अंदर हम पूरा आईडी नेम ईमेल मेल जेंडर यहाँ पे हमारा जो डेटा है आ रहा है वो कैसे आ रहा है एक्चुअली ये डेटा जो है हम जैसे हमारा पेज लोड होता है हमारी अजय रिक्वेस्ट आ रही है और हम जो कोई डाटा टेबल्स जो एक प्लेग है उसके थ्रू हम ये सारी डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए एक हमारी जी फाइल बनी हुई है हम देख

यूजर डॉट पी एच पी क्लास यहाँ पे हमने उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं ये ये और जैसे यह यहाँ पे यूजर यूजेक्ट किया उसके थ्रू तो हम यहां पे लिस्ट यूजर को कॉल कर रहे हैं अब देखिए लिस्ट यूजर हमारा कहाँ है लिस्ट यूजर मेथड हमारा यहाँ पे बना हुआ है देखिये इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जितने भी यूजर्स हैं सबको यहाँ से गेट कर रहे हैं और उनको क्या है एक एर, एरे में स्टोर करा रहे हैं ये सारी डिटेल्स हमने लेके यहाँ पे एरे में स्टोर करा लिया यहाँ पे देखिए हम ये बटन भी भेज रहे हैं जो भी हैं ब्यूटी डिटेल्स के हैं और जो भी एडिट हैं डिलीट है उनको क्या हुआ फिर तो उसके बाद हमने ये जो हमारा एरे है आउटपुट एरे इसमें स्टोर कर लिया है अब देखिए ये हम ड्रॉ आई टोटल रिकॉर्ड आई टोटल इस रिकॉर्ड ये डेटा ये सारा इस फॉर्मेट में हम इसको स्टोर कर रहे हैं ये इसलिए स्टोर कर रहे हैं डेटा टेबल्स को जो डेटा रिक्वायर होता है जिसम फॉर्मेट में जो एरे डेटा होता है वो इसी फॉर्मेट में रिक्वायर होता है इसीलिए हम इस तरह से इसको इस डेस्क में इसको स्टोर कराएंगे यहाँ पे हम इस डेटा को जैसे इनपुट कर देंगे और ये हमारा रिटर्न हो जाएगा और फाइनली ये हमारा जो होगा क्योंकि हमने मेथड ए कॉल कर रखा है तो फाइनली हमारा ये रिस्पॉन्स डेटा आके यहाँ हमारा ये यह सेट हो जाएगा कहाँ सेट हो जाएगा यहाँ पे यूजर लिस्टिंग में सेट हो जाएगा तो इस तरह से हमारा यूजर डेटा पूरा सेट हो रहा है उसके अलावा हम यूजर्स को न्यू यूजर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं कोई भी नया यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ से न्यू यूजर क्रिएट करने की फंक्शनलिटी हमारी है जो हम न्यू यूजर क्रिएट करेंगे तो देखिए इसके लिए भी हमने यहाँ पे वो कर, बना रखा है यहाँ पे देखिए ये जब न्यू यूजर कर रहे हैं तो ये मॉडल हमारा यूजर मॉडल ओपन होता है इसके अंदर देखिए हमारा एड यूजर्स के लिए है यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है लास्ट नेम आ रहा है ई मेल है मोबाइल है एड्रेस है रोल है और जेंडर न्यू पासवर्ड तो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ रही है और यहाँ से उसके बाद जब होता है उसके बाद हम ये हमारा फॉर्म सबमिट होता है जब हम फॉर्म सबमिट करें मॉडल तो ओपन करने के लिए गया यहां से मॉडल ओपन कर रहे हैं एड यूजर हमारा, आ, है जैसे यहां से हमारा बटन आ रहा है यहाँ पे एड यूजर का ये आ रहा है यहाँ पे आईडी सिलेक्टर यहाँ पे तो ये हमारा मॉडल ओपन हो जा रहा है मॉडल ओपन होने के बाद जब हम सबमिट कर रहे हैं देखिये यहाँ से हम यूजर फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तो यहाँ से हमारा यूजर फॉर्म सबमिट होता है उसके बाद अजय रिक्वेस्ट जो भी डेटा है फॉर्म डेटा है उसको सेलाइज करके फॉर्म डेटा वेरिएबल में स्टोर करके और यहाँ से हम डेटा में पास कर दे रहे हैं उसके बाद मेथड हमारा पोस्ट है और उसके अलावा हम जो एक्शन पर अजय रिक्वेस्ट भेज देते हैं अब देखिए अजय एक्स रिक्वेस्ट हमारी यूजरजा यूजर एक्शन डॉट पे आई यहाँ पर देखिए मैथड चेक किया ऑल यूजर आई डी यूजर आ उसके बाद हमने पोस्ट वैल्यू जो है हमने जो यूजर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें हमने सेट कर दी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई मेल मोबाइल एड्रेस रोल जेंडर न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दी उसके बाद हमने मेथड कॉल कर दिया इंसर्ट मीन्स ये बैलूच जो है हमारी सारी डेटाबेस में इंसर्ट हो जा रही है अब देखिए इंसर्ट जो हमारा यहाँ इसके लिए यूजर के लिए मेथड हमने बना रखा है ये मेथड हमारा इंसर्ट है यहाँ पर सेट करें अगर ई मेल आई डी आ रही है उसके बाद ऑल डिटेल भी आ रही है तो हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू हमने यूजर टेबल किया हुआ फर्स्ट नेम लास्ट टेम जितने भी यूजर्स के फील्ड हैं वो सब यहाँ ले लिया और यहाँ पे हमने प्लेस ऑर्डर ले लिया और उनको यहाँ पे हमने प्रिपेयर के थ्रो स्टेटमेंट लिया और उस स्टेटमेंट को हमने बाइंड कर दिया और जितनी भी वैल्यूज हमने यहाँ पे देखिए सारी प्लेस ऑर्डर वैल्यूज यहाँ बाइंड कर दी दिए उसके बाद इसको एक्सक्यू कर दिया और फाइनली हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया उसके अलावा हम यहाँ पे यूजर को एडिट भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पे यूजर ये डिटेल सारी आ रही है ये फॉर्म में और उसको एडिट भी कर सकते हैं तो एडिट कराने के लिए क्या किया हुआ है सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जैसे जैसे हम अपडेट में क्लास पे कॉल कर रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या है अब जो हमारा क्लास है क्लिक कर रहे हैं वो प, अपडेट आ रहा है देखिए ये हमारा अप, अपडेट क्लास आ रहा है तो जैसे हम अपडेट क्लास पे कॉल क्लिक कर रहे हैं तो हमारे मॉडल ओपन हो जा रहा है यहाँ इंफॉमेसन फिल हो जा रही है तो इंफॉर्मेशन जो है फिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ये यह यहाँ गेट यूजर डिटेल हमने एक्शन लिया और उसके बाद ये एक्शन हमारा ये जा रहा है उसके अलावा यूजर आई डी आ रही है यूजर्स एक्शन पे अब देखिये यूजर्स एक्शन पे क्या है यूजर डिटेल्स का ये आ रहा है उसके बाद गेट यूजर डिटेल्स आ रहा है गेट यूजर डिटेल्स आप यहाँ देखेंगे हमारे ये गेट यूजर डिटेल्स है यहाँ से हम उस यूजर की जो भी आईडी वहां से आ रही है देखिए ये हमारी यूजर आईडी आ रही है उसकी डिटेल्स यहाँ से गेट कर रहे हैं और उसके बाद उसका उसको बाइंड कराने के बाद एग्जीक्यूट कराया गेट रिजल्ट किया और रिजल्ट के बाद हमने जो रिजल्ट मिला है उसका एरे गेट कर लिया फेस एसोसिएटिव एरे गेट करके और उसको जेसएन इनकोड में एज ए जेसन डेटा उसको रिटर्न कर दिया और जैसे ये रिटर्न कर दिया वो डेटा में यहाँ रिस्पॉन्स पर डेटा में ये मिल गया हमने यहाँ पे फॉर्म के इनपुट फील्ड्स में इसको सेट कर दिया और उसके बाद हमने एक्शन जो सेट कर दिया अपडेट और यूजर सेट कर दिया और ये जो है जैसे ही था था जैसे हम उसको क्लिक करते हैं हम मीन्स जैसे अपने फॉर्म हमारा ओपन हुआ हमने यहाँ से क्लिक किया सेव जैसे हम सेव क्लिक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है हमारा हमारा मेथड कॉल हो रहा है क्या मेथड कॉल जैसे सेव कर रहे हैं उसके बाद हम हमारा फॉर्म फॉर्म सबमिशन यहीं सेंडे हो रहा है उसके बाद हम हमारा एक्शन आता है कि अपडेट यूजर जैसे अपडेट यूजर है हमने सारे फॉर्म की वैल्यूज यहाँ पे यूजर जो ऑब्जेक्ट में सेट किया से और हमने अपडेट मेथड कॉल कर लिया देखिए अपडे अपडेट मेथड हमारा यहीं बना हुआ उसके अंदर हम यहाँ पे अगर चेंज पासवर्ड आ रहा है तो हम पासवर्ड को भी चेंज पासवर्ड फंक्शनॉलिटी हैंडल कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा अपडेट क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है देखिए ये हमारे प्लेस होल्डर्स लिए यहाँ बाइंड कर रहे हैं उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करा दें और हमारे यूजर अपडेट की फंक्शनलिटी हो जा रही है उसके अलावा हम यूज़र डिलीट की भी फंक्शुअलिटी देखिए यहाँ से यूजर डिलीट की फंक्शुअलिटी भी हैंडल कर रहे हैं तो यूजर डिलीट करने के लिए जैसे हम क्लिक क्लिक करें तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन मैंने कॉल ऐड कर रखा है तो उस पर और आज है यहाँ पे हम कन्फर्म मेथड दिखा रहे हैं उसके बाद यूजर एक्शन पे हमारा यूजर आई और एक्शन जो एक्शन हमारा डिलीट यूजर आ रहा है और यहाँ देखिए डिलीट यूजर हमने चेक किया उसके बाद हमने यूजर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यूजर आई सेट किया और ये हमारा डिलीट मैथड कॉल हुआ और डिलीट जो यूजर डिलीट मेथड है वो यहाँ पे है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डिलीट यूजर आईडी है कि नहीं है तो यहाँ पे डिलीट क्वेरी को यहाँ पे देखिए हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हमने आईडी के लिए यूजर आईडी के लिए पेस वर्ल्डर पर जाओ यहाँ पे हम बाइंड करा रहे हैं यूजर आईडी और चुट कर रहे हैं और इस तरह से हमारा ये डिलीट फ्राम सार्ट हैंडल हो रहा है दोस्तों तो हमने देखा कि हम कैसे पूरा यूजर सेक्शन हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं देखिए ये हो गया उसके बाद हम एग्जाम जो सबसे मेन सेक्शन है इसका इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन जो सेक्शन है हम अब उस पर मूव करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्या है इसके अंदर एक हमारा एग्जाम क्लास है तो अब देखिए सबसे पहले क्या आया कि यहाँ पे हमारा एक एग्जाम डॉट पी एच पी है तो एग्जाम डॉट पी एच पी हम ओपन करेंगे यहाँ पे एग्जाम डॉट पी एच पी के अंदर हम लिस्टिंग करा रहे हैं जितने भी एग्जाम है तो यहाँ पे हमने आईडी ले रखा है एग्जाम लिस्टिंग ये भी हमारा जेक्योरी डेटा टेबल जो प्लग इन है उसके थ्रू यहाँ पे सारा लोड हो रहा है एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू जैसे हमारा पेज लोड होता है हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है एग्जेक्ट रिक्वेस्ट कहाँ जाती है हमारी एग्जाम एक्शन पे एग्जाम एक्शन है और कहाँ से जाती है उसके लिए हमने जी फाइल बना रखी है एग्जाम डॉट जी फाइल बना रखी है एग्जाम डॉट के अंदर देखिए एग्जाम लिस्टिंग हमारा सिलेक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पे सिलेक्टर कॉल हो रहा है ये सिलेक्टर के अंदर ये हमारा यहाँ जे फाइल में हो रहा है यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है एग्जाम एक्शन पे एग्जाम एक्शन पे विद एक्शन लिस्ट एग्जाम अब देखिए यहाँ लिस्ट एग्जाम हमारा हम यहाँ एक्शन चेक कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर भी हमने डेटा बेस डॉट पी क्लास जो है फाइल है उसको इंक्लूड करा रखा है उसका ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमें यहाँ पर भी डेटा कनेक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर भी हम डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बाद देखिए क्योंकि हम जो भी एग्जाम डिटेल्स होगी उसको इंसर्ट करेंगे एक्सेस करेंगे डिलीट करेंगे अपडेट करेंगे तो सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हमें परफॉर्म करना होगी उसके अलावा देखिए हम यूजर एग्जाम डॉट पेज जो हमारा क्लास है उसको इंक्लूड करा रहे हैं उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अब देखिए हम एग्जाम लिस्ट एग्जाम अगर एक्शन हमारा आ रहा है चेक कर करे उसके बाद एग्जाम से हम लिस्ट एग्जाम मेथड कॉल कर रहे हैं अब देखिए लिस्ट एग्जाम मेथड में क्या हो रहा है हमारा लिस्ट एग्जाम में क्या हम एग्जाम की डिटेल्स गेट कर रहे हैं एग्जाम टेबल्स के अंदर यहाँ से लिस्ट एग्जाम में हम जितनी भी डिटेल्स है उसको गेट कर रहे हैं जो भी जिसने भी यूजर ने क्रिएट किया उसकी डिटेल्स यहाँ से हम गेट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स गेट की उसके बाद हमने डिटेल्स को यहाँ ले लिया एरेज में स्टोर कराया उसके बाद हमने एक जो जे कोई डेटा टेबल इसका सेंटेक्स होता है उसमें एरे में स्टोर करा के उसको जी एस सी कर दिया और फाइनली हमारा यहाँ पे ये यह रेंडर हो जा रहा है ये देखिए डिस्टेल्स हमारी आ जा रही है इसके अलावा हम यहाँ से न्यू एग्ज़ाम भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ से हमने क्या किया तो इसके लिए हमने एक फॉर्म ओपन किया है तो इस फॉर्म देखिए हमने जो है यहाँ से हमारा ये एग्जाम मॉडल आ रहा है मॉडल फॉर्म आ रहा है मॉडल के अंदर देखिए हमने पूरा डिटेल्स हमारा ये आ रहा है यहाँ पे ये हमारा फॉर्म हो गया एग्जाम फॉर्म उसके अंदर देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं हम एग्जाम का टाइटल ले रहे हैं यहाँ पे इनपुट हमारा टाइटल के लिए हो गया उसके बाद जो हमारा एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन क्या हो गया उसके ऑप्शन ले रहे हैं टोटल क्वेश्चन कितने होंगे वो ऑप्शन ले रहे हैं ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लिस्टी हमारी सेलेक्ट लिस्ट है मार्क्स फॉर राइट आंसर उसके लिए भी हमारी लिस्ट यहाँ पे बन रही है और उसके अलावा हमारा जो मार्क्स वाला रॉन्ग आंसर वो भी यहाँ पे लिस्ट हमारी बन रही है देखिए यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की हुई डिजाइन की हुई है और स्टेटस क्या रहेगा कि क्रिएटेड पेंडिंग स्टार्ट तो ये यह भी यहाँ पे लिस्ट रहेगी हमारी तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्म है उसके अलावा कुछ हिडन वैल्यूज भी जा रहे हैं लाइक आई डी रही एग्जाम आई डी एक्स एंस बटन क्लोज बटन ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो जैसे ही अब हम यहाँ ओपन कर रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने डाला कोई भी टेस्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं मान लिया हमने यहाँ पे कर दिया कि पाइथन टेस्ट कर दिया सपोज कर लो यहाँ पे तो यहाँ पे पाइथन टेस्ट किया और यहाँ पे हमने मान लिया इसको करा दिया टू मिनट करा दिया टोटल क्वेश्चन हमने टू कर दिए और मार्क्स फॉर राइट आंसर जैसे सपोज कर लो वन कर दिया ये माइनस इसके लिए कर दिया और इसका स्टेटस मैंने कर दिया सपोज कर लो कि क्रिएटेड और जैसे हम ये क्रिए गए देखिए पाइथन टेस्ट हमारा क्रिएट हो गया अब यहाँ से हम इसको जब एडिट करेंगे तो एडिट में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगी एडिट करने के लिए तो यहाँ पे पाया था टेस्ट एग्जाम देख देखिए यहाँ पे हमारा ये देखिए यहाँ पे एडिट हो जा रहा है अब एडिट की फंक्शनलिटी हमारी कैसे चल रही है तो हम यहाँ बताते हैं आपको एडिट के लिए भी हमने सेम फॉर्म यूज कर रखा है बस ये है जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट क्लास पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्म ओपन आ जाता है उसके लिए देखिए क्या कर रखा है यहाँ पे जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ये तो हमारा हो गया ये हमारा जो है न्यू जो एग्जाम के लिए मॉडल फॉर्म ओपन करता है यहाँ जैसे हम अपडेट क्लास पे हम क्लिक कर रहे हैं ये एग्जाम लिस्टिंग के अंदर उसमें एक्शन हम भेज रहे हैं गेट एग्जाम एक्शन हमारा जा रहा है और उस एग्जाम की आई जा रही है कहा जा रही है एग्जाम एक्शन पे एग्जाम एक्शन पे देखिए पे आ देखिये गेट एग्जाम के अंदर आ रहा है हम यहाँ मेथड कॉल कर रहे हैं गेट एग्जाम का अब देखिए हम गेट एग्जाम मेथड देखेंगे यहाँ पे ये हमारा मेथड है गेट एग्जाम इसमें क्या हम एग्जाम टेबल से जो भी एग्जाम की डिटेल्स है वो गेट कर रहे हैं और उसको हम एसोसिएटिव एरे यहाँ हम गेट कर रहे हैं और उसको जेसन डेटा में रिटर्न कर दे रहे हैं और फाइनली क्या है जब वो रिस्पॉन्स है हमारा जेसन डेटा आ जा रहा है हम फॉर्म के इनपुट फेल्स से, हैं उनमें सेट कर दे रहे हैं वो फाइनली वो सेट हो जा रहा है उसके अलावा हम एक्शन भी सेट कर दे रहे हैं अपडेट एग्ज़ाम तो अब तो फाइनली जो हमारा ये आ रहा है जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ यहाँ पे आ गया उसके अलावा हमारा जो एक्शन आ जा रहा है आप देखेंगे इसके अंदर एक्शन के अंदर ये अपडेट एग्ज़ाम एक्शन आ गया अब जैसे ही फॉर्म हमारा सबमिट होता है तो जो हमारा फॉर्म सबमिशन है फॉर्म सबमिशन जो हो रहा है इसका वो यहाँ से ये न्यू जो हम एग्जाम क्रिएट करते हैं और अपडेट करते हैं दोनों केसेस में सेम ही हमारा फॉर्म यूज हो रहा है तो जैसे यहाँ फॉर्म यूज हो रहा है देखिए हम फॉर्म को सीरियलाइज करके उसकी फॉर्म डेटा को गेट कर ले रहे हैं और यहाँ पे एक्शन यू एग्जाम एक्सन डॉट पी एच पी भी पास करा रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से हमारा ये फॉर्म डेटा जा रहा है और उसके बाद हम फॉर्म को रिसेट कर दे रहे हैं मॉडल को हाइड कर दे रहे हैं अब देखिए यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जब हमारा एक्शन ऐड आता है तो हम जो फॉर्म की डिटेल्स है हमारे एग्जाम फॉर्म की मॉडल फॉर्म की वो हम एग्जाम ऑब्जेक्ट में सेट कर लेते हैं उसके बाद हम इंसर्ट मेथड कॉल कर रहे हैं और उसके अगर हमारा अपडेट आ रहा है तो सेम उस फॉर्म की वैल्यू गेट कर सारी सेट करके हम एग्जाम ऑब्जेक्ट में और अपडेट मेथड कॉल करते हैं अब देखो हम इंसर्ट और अपडेट जो मॉडल मेथड uh, है हमारे वो देखते हैं तो इंसर्ट में देखिए हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ ऑलरेडी टाइटल सेट कर रहे हैं टाइटल हमारा आ रहा है ब्लैंक नहीं है तो हम उसके इसमें यहाँ पे इन क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर देखिए सारी फील्ड पास करा रहे हैं उनके प्लेस होल्डर पास करा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे हम उन बायलूज को ए एस टीम वाले स्पेशल क्या एस टैग से वो क्लीन कर रहे हैं और उसके बाद बाइंड पर हम उसके अंदर हम सारी जो हमारी प्लेस होल्डर वायलूज हैं वो यहाँ पे बाइंड कर दे रहे हैं उसके बाद एक्सक्यूट करके हम रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू सेम ऐसे ही अपडेट क्वेरी में देखिए हम एग्जाम आई डी चेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि यूजर आईडी हमारी आ रही है कि नहीं सर यूजर लॉग इन है कि नहीं उसके बाद हम देखे यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं अपडेट क्वेरी क्रिएट किया उसके बाद हमने जो भी सेट सेट फील्ड्स हैं वो किए यहाँ पे उनका प्लेस होल्डर लिया देखिए क्वेश्चन मार्क्स सबके लिए यूज कर रहे हैं उसके बाद हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे ली और उसके बाद यहाँ पे बाइंड करा दी जितनी वैल्यूज प्लेस होल्डर्स पे वो यहाँ पे बाइंड करा दी उसके बाद एक्स्यूट किया रिटर्न ट्रू कर दिया तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज जो भी एग्जाम है उसकी एग्जाम जो है हमारा ऐड हो जा रहा है न्यू अपडेट भी हो जा रहा है उसके अलावा डिलीट फंक्शनलिटी के लिए जैसे अगर सपोज कर हम डिलीट करते हैं तो यह क्या आयुष जो वा एंटो तो डिली दिखाया तो इसके लिए जो फंक्शनलिटी करी हुई है देखिए जे एस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट की फंक्शनलिटी जो यहाँ पे ये यह डिलीट हुई है या जैसे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं ये कन्फर्म मैसेज दिखाता है यस करेंगे तो ये एग्जाम एक्शन पे जाएगा किसके डिलीट एग्जाम एक्शन के थ्रू जाता है विद जो हमारी आईडी है एग्जाम की वो जा रही है अब देखिए यहाँ पे आप डिलीट का देख सकते हैं ये डिलीट एग्जाम आ रहा है यहाँ पे हमने चेक किया है एक्शन की डिलीट एग्जाम है तो एग्जाम जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम एग्जाम की आईडी सेट कर रहे हैं और मेथड कॉल कर दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का डिलीट मेथड को जो डिलीट मेथड है वो कॉल करके परफॉर्म कर अब देखेंगे हम डिलीट मेथड को देखते हैं यहाँ पे तो जो डिलीट मेथड मेटर यहाँ ये आ रहा है यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे एग्जाम आई डी चेक करें और सेशन उस यूजर आईडी चेक कर रहे हैं उसके बाद हम डिलीट क्वेरी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं डिलीट फ्रॉम एग्जाम टेबल आई डी दिस एंड यूजर आई डी दिस तो जो भी तो जिसने भी एग्जाम क्रिएट किया वो तो अपना एग्जाम यहाँ पे क्रिएट डिलीट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए बाइंड में हमने यहाँ पे एग्जाम आईडी और यूजर आई डी पास करा दिया तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम हमारा डिलीट का भी फंक्शनलिटी हैंडल तो देखा हमने कैसे एग्जाम को नया एग्जाम क्रिएट कर रहे हैं एडिट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, हैं क्वेश्चन है, तो, है, तो तो, ओपन हो जाएगा तो क्वेश्चन डॉट पीएचपी फाइल जो हमारा है अब हम क्वेश्चन डॉट पी फाइल देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन डॉट पीएचपी फाइल है इसके अंदर देखिए यहाँ पे अभी हम टेबल ले रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन लिस्टिंग कर रहे हैं एजय के थ्रू देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिस्टिंग के अंदर डेटा टेबल से हमारे के क्वेश्चन एक्शन पे जा रही है हमारा क्वेश्चन एक्शन है और क्या एक्शन जा रहा है इसमें लिस्ट क्वेश्चन जा रहा है अब देखिए लिस्ट क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पे तो देखिये ये हमारा लिस्ट क्वेश्चन ना जा रहा है उसके अंदर हमने हमें क्या है पोस्ट एग्जाम एक। आईडी मिल रहा है और हमने उसको क्वेश्चन एग्जाम आईडी में सेट कर दिया ऑब्जेक्ट में और उसके बाद लिस्ट क्वेश्चन कॉल करा लिया अब देखिए लिस्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन क्लास के अंदर है अब देखिए हम क्वेश्चन क्लास देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन क्लास है इसके अंदर ये लिस्ट क्वेश्चन है ये हमारी क्वेरी पड़ रही क्वेरी है क्वेश्चन टेबल पे एग्जाम टेबल पे ऑप्शन टेबल पे पड़ रही है यहाँ से और ये सारी डिटेल हमारी क्वेश्चन की क्वेश्चन विद ऑप्शन आके हमारा हम यहाँ पे उसको एरे में स्टोर करा रहे हैं उसके बाद जो आउटपुट एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद उसको में कन्वर्ट करके हम देते रहे और यह हमारी लिस्टिंग हो जा रही है उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे जैसे ही अब देखिए यहाँ पे नया नया कोई भी क्वेश्चन ऐड करना है जैसे इसमें हमारे इतने क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे इतने है। या हम दूसरे में चले जाते हैं पाइथन हमने भाई ऐड किया इसके अंदर जाते हैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं ऐड किया जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐड कर कर, सकते हैं जैसे ए... सपोज कर लो कि पाइथन ईजा क्या है ये तो हम Like design language programming language server side language. फ्रेंट इन लेंगे तो कुछ भी ऑप्शन आपने क्रिएट कर लिए और हमने कुछ भी राइट right आंसर जो इसको भी आप राइट right आंसर रखना है तो आप उसको कर सकते हैं जैसे प्राय आपका ये सेव हो गया अब यहाँ पे आया ये आइडिया आ गई क्वेश्चन की ये क्वेश्चन आ गया और उसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे आ गया अब देखिए आप इसको या न्यू ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर ऐड किया देखिए क्वेश्चन ऐड किया उसके अंदर ऑप्शन भी ऐड हो गया ये हमारा जब एडिट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा तो इसको एडिट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं और डिलीट uh, 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 भी कर रहे हैं। तो इसकी जो फंक्शनलिटी है तो यहां पे लिस्टिंग आपने देखा कि हम यहाँ पे लिस्टिंग करा रहे हैं उसके अलावा इसको एडिट कराने के लिए जैसे हम उसको एडिट करा रहे हैं या ऐड क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐड क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे ऐड यह क्वेश्चन करा रहे हैं मॉडल ओपन हो रहा है जहा हम सारा आइट क्वेश्चन की फंक्शनिटी हैंडल है हैं कर रहे हैं उसके अलावा अपडेट के केस में हम यहाँ पे अपडेट के केस में हमारे क्या है गेट क्वेश्चन क्वेश्चन की डिटेल आ रही है हमारी कहा जा रहा है ये गेट क्वेश्चन जा रहा है है डिटेल आ रही है, और हम सारी डिटेल हमारी से गेट क्वेश्चन ये हो जा रहा है और यहाँ देखिए गेट क्वेश्चन से क्या यहाँ गेट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा ऑप्शन डिटेल क्वेश्चन डिटेल जो यहाँ पे ज्वाइन क्वरी पड़ रही है ऑप्शन टेबल पे क्वेश्चन टेबल पे डिटेल यहाँ से आके सारी हमारी एरिया में स्टोर होने के बाद यहाँ पे जेसन इनकोड कर दे रहे हैं अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे आए, डिटेल जो हमारी है फॉर्म के अंदर ये हमारी पूरी रेंडर हो जा रही है जो डिस्प्ले हो रही है जैसे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ये डिटेल आ रही, रही है सारी यहाँ तो हमारी हम इसको जेस के थ्रू रेंडर करा रहे हैं ये देखिए हम यहाँ पे पूरा ये हवाई लूप चला के सारी डिटेल्स हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं उसके अंदर फॉर्म के अंदर हमारा जो भी क्वेश्चन फॉर्म आ रहा है हमारा और उसके अलावा यहाँ पे फंक्शनलिटी जो है एडिट और जो ऐड कर रहे हैं उसका जो फॉर्म सबमिशन है ये सारी वैल्यूज आ गई उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म सबमिशन हम हैंडल कर रहे हैं सेम भाई हम फॉर्म जो है उसको सिलाई करा के फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं और उसके यहाँ पे हम क्वेश्चन एक्शन पे ये चला जा रहा है अब देखिए यहाँ पे जो जो एक्शन आते हैं हमारे ऐड के केस हमारे ऐड क्वेश्चन आ रहा है अपडेट के अपडेट क्वेश्चन आ रहा है जो फॉर्म की वैल्यूज हम क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में सेट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट आइड के केस में इंसर्ट मेथड हम कॉल करा रहे हैं ये देखिए हमारा इंसर्ट मेथड आ रहा है और उसके जब हम अपडेट करें तो अपडेट मेथड आ रहा है तो हम देखिए अब इसके अंदर हमारा इंसर्ट मेथड है जिसकी यहाँ पे हम चेक करें एग्जाम आई क्वेश्चन टाइटल और आंसर ऑप्शन चेक करा रहे हैं तो हम जो डिटेल्स है क्वेश्चंस की वो इंसर्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन टेबल है उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद जो ऑप्शंस की डिटेल्स है वो हम ऑप्शंस टेबल के अंदर यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं सेम अपडेट के केस में भी हम क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और उसके बाद जो ऑप्शन है उनको भी अपडेट कर रहे हैं तरह से हम फंक्शनलिटी हैंडल करें इसकी इसके अलावा हम डिलीट के केस में भी देखिए हम डिलीट क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं ये फंक्शन हम जी के कोड में हैंडल कर रहे हैं कोड और हमारा यहाँ पे जो है डिलीट एक्शन चेक करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट मेथड कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारी डिलीट फंक्शनलिटी के अंदर क्या है सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऑप्शन को डिलीट कर रहे हैं तो सारी फंक्शनलिटी जो है हमारी यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं ये हमारी अपडेट की हो जा रही है ये यहाँ से हम नया ऐड कर दे रहे हैं तो इस तरह से हमारा हो जाए उसके अलावा जो है एडमिन देख सकता है कि जो भी एग्ज़ाम है वो कौन कौन से यूजर ने ने इनरोल कर रखा है तो यहाँ से डिटेल ये आती आप देखेंगे डॉट पी में जाएंगे हम जो हमारी फाइल है इनरोल डॉट पी एच पी इन पी एच पी के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा इनरोल हो रहा है इसमें क्या है इनरोल किन किन यूजर्स ने कर रहा है वो लिस्टिंग हो रही है इनरोल लिस्टिंग हो रही है तो हम इसकी भी जी एस फाइल है इनरोल डॉट जी एस के अंदर है देखिए ये यहाँ से हमारी डेटा टेबल सिलाई हो रही है रिक्वेस्ट जा रही है कहा जा रही है एग्जाम एक्शन पे ही जा रही है वहां से इसकी डिटेल्स पूरी लोड हो जा रही है वो यहाँ से हैंडल हो रही है हमारी तो यहां से ये की फंक्शालिटी हो रही है उसके अलावा तो इस तरह से हमारी इनरोल कर और इसके अलावा यहाँ पे हम देखे रिजल्ट जो है कि जो हमारा एग्जाम है वो उसका स्टेटस क्या है पेंडिंग है या वो इन प्रोसेस और उसका कंप्लीट हो गया तो यहाँ से भी रिजल्ट कर सकते हैं तो अभी कोई टेस्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे अभी पेंडिंग आ रहा है तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे पूरा आपने देखा कि एडमिन सेक्शन पे एडमिनिस्ट्रेटर कैसे यूजर्स को मैनेज कर सकता है एडिट डिलीट कर सकता है उसके अलावा एग्जाम्स को कैसे क्रिएट कर सकता है एडिट डिलीट कर सकता है उस एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकता है विद ऑप्शन उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं कैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके इन यूजर्स को व्यू भी भी कर सकते हैं सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे एडमिटेड सेक्शन पे है कि वो यूजर्स को क्रिएट कर सकता है पासवर्ड सेट पास कर सकता है एग्जाम क्रिएट कर सकता है एग्जाम से क्वेश्चन ऑप्शन सारे मैनेज कर सकता है तो ये हमारा जो एडमिन एंड का सेक्शन है वो हो गया तो अब हम देखते हैं कि ये तो यहाँ पे हमारा हमने यूजर भी क्रिएट कर लिया एग्ज़ाम भी क्रिएट कर लिया अब हम देखते हैं कि जो फ्रंट एंड यूजर यूजर सेक्शन पे कैसे वो एग्ज़ाम को परफॉर्म करता है कैसे एग्जाम को कैसे तो हम यहाँ पर लॉग आउट करेंगे अब ये एक यूजर से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमारा यूजर यह, यहाँ पे है ये हमारा यूजर लॉग इन है

असाइन करेंगे देखिए अभी अब, अब यूजर कितने में हो गया पीएचपी टेस्ट में हो गया या बाई स्क्रीन में हो गया और पाय तो जो यूजर सेक्शन आएगा उसके अंदर दो चीज़ें हो गई एक तो इन एग्जाम होगा और माई एग्जाम होगा तो सबसे पहले हम इन एग्जाम सेक्शन देखते हैं क्या इनरोल एग्जाम डॉट पी एच पी तो इनरोल डॉट एग्जाम डॉट पी एच पी में देखिए इन एग्जाम यहाँ पे है यहाँ पे देखिए एक, एक, एक एग्जाम की लिस्ट दिखा रहे हैं को ये लिस्ट हमारी मेथड कॉल क्या और उसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं देखिए यहाँ पे गेट एग्जाम लिस्ट अब हम गेट एग्जाम लिस्ट चेक करेंगे मेथड एक गेट एग्जाम लिस्ट है यहाँ पे देखिए सिलेक्ट आईडी एग्जाम टाइटल फ्रॉम एग्जाम टेबल और ऑप्शन को हमने एक आउटपुट में जो भी कर और रिटर्न करा दिया और यहाँ पे ये पॉपुलेट हो जा रहा है हमारा रेंडर हो जा रहा है डिस्प्ले हो जा रहा है अब देखिए ये हमारा एग्जाम लिस्ट आ गया जैसे एग्जाम लिस्ट सिलेक्ट कर रहा है जैसे क्या है चेंज इवेंट देखिए अब इन रोल एग्जाम अब देखिए ये, ये हम इसका चेंज इवेंट हम देखते हैं इसके चेंज इसका चे... कहा गया हमारा ये है एग्जाम लिस्ट अब आप देख सकते हैं एग्जाम लिस्ट के अंदर ही हमारा होगा ये ये जो हमारा है एग्जाम हो गया हमारा तो एग्जाम लिस्ट के अंदर हमारा तो ये जैसे हमारा चेंज कर रहे हैं हम ये हम इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं देखिए अब हम जाते हैं इसके अंदर एग्जाम एक्शन के अंदर ही चले जाते हैं एग्जाम एक्शन एड एग्ज़ाम लिस्ट एग्जाम और हमारा मेथड ये गेट एग्जाम इन रोल ये देखिए मेथड हमारा है और ये गेट एग्जाम इन रोल मेथड को आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बना हुआ है इसके अंदर ये इन रोल हो जा रहा है देखिए इसके अंदर हम पहले टेबल सेलेक्ट करी हमारी पड़ रही है उसके अंदर हम ये सारी डिटेल्स गेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं और इन रोल का मेथड भी इसी में हमारा बना हुआ है कि कैसे वो हम इसके अंदर ये देखे कि इज ऑलरेडी इनरोल्ड है कि नहीं है और ये देखिए हमारा इन रोल टू एग्जाम यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको क्या इंसर्ट करा दे रहे हैं किसके अंदर करा रहे हैं इन रोल टेबल के अंदर इंसर्ट करा दे रहे हैं कि वो यूजर उस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए इन हुआ है कि नहीं हुआ है अब देखिए अब जब हम जाएंगे इन के एग्जाम इन के अंदर तो ये देखिए जिन जिन एग्जाम्स में वो इनरोल हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट उस यूजर की यहाँ पे आ जा रही है तो यहाँ पे अब यूजर जो है कितने एग्जाम में यहां पे थ्री में इनरोल है तो थ्री की लिस्ट आ रही है अब देखिए अब हम देखेंगे कि ब्यू एग्जाम के अंदर क्योंकि पूरा एग्जाम जो एग्जाम्स के अंदर, है, यूजर को आ रही है, तो हम अंदर जाएंगे व्यू एग्जाम्स के अंदर देखिए इसके अंदर हमारी फाइल बनी हुई है ब्यू एग्जाम अब देखिए यहाँ पर बिग एग्जाम में क्या यूजर है यूजर एग्जाम लिस्टिंग है एग्जाम लिस्टिंग के अंदर अब देखिए ये यूजर एग्जाम्स इसकी फाइल जो है ना यूजर एग्जाम्स है यूजर एग्जाम्स के अंदर देखिए यूजर एग्जाम लिस्टिंग तो यहाँ पर देखिए हमारी यूजर एग्जाम लिस्टिंग आ रही है यहाँ पे देखिए एग्जाम टाइटल ड्यूरेशन टोटल ये जो भी डिटेल्स आ रही है लिस्ट यूजर एग्जाम अब देखिए यूजर एग्जाम एक्शन तो ये फाइल इसके लिए यहाँ पे देखिए यूजर एग्जाम एक्शन में क्या है एक्शन क्या जा रहा है हमारा लिस्ट एग्जाम यूजर तो यहाँ पे देखिए लिस्ट क्या जा रहा है लिस्ट यूजर एग्जाम तो यहाँ देखिए लिस्ट यूजर एग्जाम में क्या लिस्ट यूजर एग्जाम मेथड हमारा कॉल हो रहा है इसके अंदर इस ये यहाँ से आ रहा है तो हमारा यहाँ पर देखिए ये यहाँ से सारी लिस्ट यूजर की जो यूजर एग्जाम की डिटेल्स लिस्ट हो है क्वेरी हमारी या जब ज्वाइन एग्जाम इन रोल क्वेश्चन प्रोसेस सब टेबल पे पड़ रही है यहाँ से सारी डिटेल्स हमारी रिटर्न होके हम एर में स्टोर कर रहे हैं उसके बाद हमारा आउटपुट जो है जैसे फॉर्म रिटर्न हो गया और यहाँ से ये तो रेंडर हो जा रहा है ये हमारी डिटेल्स आ रही है तो ये अब हमारी डिटेल्स आ गई इसके अलावा जो हम ये दिखा रहे थे कि कैसे एग्जाम इनरोल हो रहा है तो उसके लिए देखिए जो इनरोल का है वो एक्स जो चेंज चेंज इवेंट पे हमारा कॉल हो रहा है देखिए ये हमारा चेंज इवेंट पे चल रहा है हमारा एग्ज़ाम लिस्ट और उसके बाद ये हमारी यूजर एक्शन पे जा रही है और एक्शन क्या जा रहा है हमारा एग्ज़ाम डिटेल्स जा रहा है एग्जाम डिटेल्स पे और ये गेट एग्जाम डिटेल्स यहाँ पे आ जा रही है तो इस तरह से फंक्शनलिटी हमारी चल रही थी अब देखिए हमारे इनरोल एग्जाम हो गया उसके बाद हमारे पास एग्जाम की लिस्ट भी आ गई यूजर के पास अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है कि स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट एग्जाम स्टार्ट अब जो फाइनल हमारा है जो इस प्रोजेक्ट जो फाइनल है कि अब हमारा टाइम आ गया कि हम एग्जाम को यूजर परफॉर्म करें तो अब दोस्तों अब हम एग्जाम जो है पी एच पी टेस्ट है ये वन मिनट का है इसमें फाइव क्वेश्चन है बम वन मार्क जो है वो राइट आंसर के लिए है माइनस रॉन्ग के लिए है, पेंडिंग है देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जैसे स्टार्ट किया देखिए वन मिनट का था ये काउंट डाउन चलना शुरू हो गया अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ गया पी एच पी स्टैंड स्टैंड फार तो यहाँ पर आपने देखा आपने ये चेक किया और आप नेक्स्ट पे मूव हो गए पी एच पी क्या लैंग्वेज है फ्रंट एंड लैंग्वेज है सेवन एंड लैंग्वेज है डी वी एन लैंग्वेज है टॉप एंड जो भी है तो आपने चेक किया आपको लगा ये सब एंड लैंग्वेज है तो आपने ये कर लिया आप नेक्स्ट पे चले गए अब देखिए ऑल वेरिएबल्स इन पी एच पी स्टार्ट सिम्बल अब देखिए हमारा ये काउंट डाउन यहाँ पे वन मिनट का था चल रहा है सेकेंड जो है कम हो रहा है तो सपोज कर लो जो भी वेरिएबल है वो यहाँ से चलते हैं स्टार्ट होते हैं डॉलर सिंबल से अब नेक्स्ट पे फोर क्वेश्चन थे इसमें तो देखिए जो भी फोर फाइव थे पी एच पी सर्वर सराउंडेड बाई डेलीमेटर्स किससे होती हैं सपोज बोलो कुछ भी रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया आपने आंसर दे दिया अब नेक्स्ट पे गए अब ये फाइव क्वेश्चन थे फाइव क्वेश्चन आ गए आपने ये कर दिया ठीक है टेस्ट आपका खत्म एक मिनट हुआ टेस्ट खत्म देखिए आपका आंसर रिजल्ट आ गया ये भी राइट आंसर ये भी राइट आंसर ये आपने रॉन्ग दिया ये राइट आंसर तो आपको पॉइंट कितने मिले एक माइनस गया और फोर प्लस तो एक और माइनस हो गया तो टोटल मार्क कितना आपको थ्री मार्क मिले तो ये आपका रिजल्ट आ गया तो इस तरह से आपने एग्जाम पर आप जैसे आप माई एग्जाम करेंगे देखिए ये क्या आएगा ये, ये भी स्टार्ट एग्जाम लेकिन ये क्या आ गया ब्यू रिजल्ट अब आप यहां से आपके पास ये यहां पे चेंज हो गया ये ब्यू रिजल्ट ही आएगा आपके पास अब आप देखिए ब्यू रिजल्ट कहां से आ रहा है प्रोसेस एग्जाम डॉट पीएचपी प्रोसेस एग्जाम यहां से आपका पूरा जो अब आप देखिए आपने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो टेस्ट कंप्लीट कहाँ से हो रहा था उसके लिए हमारी जो फाइल आ रही है वो प्रोसेस एग्जाम आ रही है यहाँ यह से देखिए ये पूरा यहाँ से फंक्शनॉटी चल रही है एग्जाम प्रोसेस अपडेट कर रहे हैं कितने टाइम पे हुआ गेट एग्जाम प्रोसेस डिटेल हम यहाँ से गेट कर रहे हैं उसके बाद पूरा टाइम कैल्कुलेसन जो भी हमारा चल रहा है कि एग्ज़ाम डेट क्या है ड्यूरेशन कितना है एंड कब हो रहा है उस हिसाब से पूरा करके हम ये हमारा क्या है जो हम जो हमारा एग्ज़ाम पेज आ रहा है उसके अंदर जो हम टाइम दिखा रहे हैं वो सारा हमारा इस सेक्शन में यहाँ हैंडल हो रहा है जो हम एग्ज़ाम टाइमर दिखा रहे हैं वो हमारा यहाँ से एग्जाम टाइमर के लिए हमने टाइम सर्किल दिखी ये टाइम सर्किल जो है हमारी एक लाइब्रेरी यूज करी हुई है यहाँ पे तो वो आपको जो भी प्रोजेक्ट फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगी उसके बाद जैसे हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो हमारा ये यह यहाँ से रिजल्ट आ रहा है यहाँ देखिए ये यह पूरा मेथड हमारे कॉल हो रहे हैं गेट क्वेश्चन हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम डिटेल्स है वो हो रहा है उसके अलावा सारी डिटेल्स हमारी यहाँ से आके गेम गेट एग्जाम टोटल मार्क्स आ रहा है ये डिटेल्स सारी आके यहाँ पे हमारा प्रोसेस एग्जाम के अंदर हो जा रहा है तो इस तरह से पूरा हमारा ये सिस्टम चल रहा है अब देखिए यहाँ पे तो अब माई एग्जाम भी हो गया इन हो गया अब यहाँ से मान लिया हम लॉगआउट करते हैं फिर इससे आईडमिन देखना चाहे कि कोई टेस्ट अभी कोई भी एग्जाम अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो मान लिया एडमिन बिन ने यहाँ से फिर लॉग इन किया और चेक करता है जैसे यहाँ पे किस ने, किस ने रोल कर रखा है अभी आप दूसरे पे जाओगे टेस्ट पे, नहीं भी है लेकिन अभी इसका भी वाला है। इसका देखिए ब्यू रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ये टेस्ट जो है कम्प्लीट हो चुका है देखिए यहाँ पे एडमिन भी रिजल्ट दे सकता है कि क्या क्या आया है पूरा तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया कैसे इसमें एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को मैनेज कर सकता है कैसे यूजर एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकता है तो काफ़ी यूजफुल प्रोजेक्ट है दोस्तों आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा आप ज़रूर इस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए पब्लिश करेंगे थैंक यू